तो वास्तु और डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस क्यों? क्यों क्यों मतलब किस लिए करना चाहिए या आपने किस लिए चूज किया? जब आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते थे तो आपने वास्तु और डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस चूज किया, तो आपने डेफिनेटली आप कुछ भी एक प्रोफेशन चूज करते हो तो उसमें 100% देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑनेस्टली मैं बनना ही नहीं चाहता था ना, मेरी लाइफ का टारगेट था कि मुझे कंसल्टेंट बनना है। और एक बैकग्राउंड था फैमिली का, मेरे फादर थे बहुत सालों से, तो शुरू से फिल्म लाइन का इंटरेस्ट था और उसी में जाना था। मैं बहुत रिजिड था उस चीज़ को लेके, बट जब उन्होंने बोला कि तो एस्ट्रोलॉजी सीख ले तो मैंने मना नहीं किया, और जब मैंने सीखी तो मेरा इंटरेस्ट बन गया, फिर मैं इन्वॉल्व होता चला। तो अभी आपके ऑलमोस्ट मोर देन 80 कंट्रीज आई फील दैट यू हैव कंसल्टेशंस एंड यू हैव मोर देन टू लर्निंग स्कूल्स गोइंग ऑन राइट नाउ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट, लाइक एक एक्टिंग प्रोफेशन में होके ये सब चीज़ें करना, आपको किस तरीके से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हो अपने प्रोफेशन से, आप कौन सा प्रोफेशन को आप ऊपर रखते हो? Okay, तो मेरे लिए हमेशा एक्टिंग फेवरेट रहा और फिल्म लाइन हमेशा मेरा वो फोकस रहा। और फीलिंग की बात है तो मैं बिल्कुल भी ग्रेट फील नहीं करता इतना कुछ करने के बाद भी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं किया। बट मैं मेहनत करता हूँ, एफर्ट्स करता हूँ, क्योंकि मेरी जो टेंडेंसी है वो रूल करने की, तो मैं कभी भी छोटा काम नहीं कर सकता, छोटे स्केल पे नहीं कर सकता, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूँगा उसको बड़े स्केल पे ले जाने के लिए, ग्लोबली सबसे ज़्यादा टॉप पे रहने के लिए। उसलिए मैं तो ऐसा कम या ज़्यादा नहीं है, दोनों चीज़ों का अपना बेनिफिट होता है। मुझे वास्तु की वजह से भी बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच मूव करने का मौका मिला, लोग मेरे को अप्रोच करते हैं करवाने के लिए, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें स्मूथ होती हैं, तो मैं स्विच नहीं करता हूँ। हाँ, बट मैं दोनों में से कोई काम छोड़ूंगा नहीं, तो मेरी लेगेसी है, मैं उसको मेंटेन करूँगा और मेरी कंपनी चल रही है, चलती रहेगी। सो आपके हिसाब से एक लेमैन कितने टाइम में वास्तु को अपना के और एक एक्सपर्ट बन सकता है और आगे एक अच्छे लेवल पे कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकता है? मेरे हिसाब से बात करो तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाता हूँ, मेरा ऐसा पर्सनली मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग तुक्के मारने लग जाते हैं। अगर आपको सीखना है तो कुछ साल मान के चलिए कि आप अगर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, कई कई घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी एक दो साल आपको कम से कम देने पड़ेंगे जिसमें कि आप एक अच्छे स्किल के आप कंसल्टेंट बन जाओ। उसके बाद स्टडी आपकी कंटिन्यू रहेगी हमेशा, स्टडी ख़त्म नहीं हो सकती, डिटेलिंग मास्टरी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में होती है। बट हाँ, आप 2 साल 1.5 साल अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और किसी कंसल्टेंट के साथ कर रहे हो, ये नहीं कि जो आपके अपने दिमाग में आपने बस वो कर लिया, अपनी समझ से आप समझदार बन गए, कोई हो जो आपको गाइड करे, करेक्ट करे, आपको एक रास्ता दिखाए, पढ़ना सिखाए, समझना सिखाए, वो बहुत जरूरी है। आपकी कई काफ़ी सारे वीडियोस में काफ़ी ब्लंटली आप बोलते हो कि जैसे ये नंबर सिंहासन दिला सकता है, ये नंबर ये करा सकता है, तो वो बात कितनी सच है और क्या ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ऐसा गाइड किया और उसके साथ एक्चुअली में रियल लाइफ में चेंजेस आए और उसने एक लेवल तक अचीव किया? ओके, तो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि ये नंबर होगा तो ऐसा हो जाएगा, आप कभी भी दोबारा उठा के देख लो वीडियो, मैं हमेशा पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ और पॉसिबिलिटीज़ में भी मैं थॉट प्रोसेस को लेकर चल रहा हूँ। ये नहीं बता रहा हूँ कि 4 नंबर होगा तो आपके पास पैसा आ जाएगा, 6 नंबर होगी तो लग्जरी आ जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमेशा आपके पास उस टाइप के विचार आते हैं, तो मान लो अब मेरे पास 4 नंबर आ रहा है तो शायद मैं थॉट वाइज थोड़ा सा सिक्योर होकर चलूँ कि नहीं, मुझे पहले पैसा जोड़ना है, मुझे पहले अपना घर बनाना है, मुझे अपने रूट लेवल से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ये क्वालिटीज़ मुझ में दी जाएंगी ताकि मैं पैसा कमा सकूँ। बट वो 4 नंबर है इसलिए पैसा है, ये कहना गलत होगा। मेरे पास बहुत लोग भरे पड़े हैं ऐसे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है बट वो लोग बेरोजगार हैं, उनके पास अपना कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, उनको अपना डेली एक्सपेंसेस मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसा कोई अकॉल्ट में कहीं पे भी नहीं दिया गया कि ऐसा नंबर है, योग है, तो इस टाइप की चीज़ होगी और इस टाइप की नहीं होगी। और डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस एक इंसान की लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट रखता है? हाँ, ये इम्पैक्ट डालता है आपके नेचर में, जो स्वभाव में लगता है कि ये मेरी नेचर है तो मैं ऐसा इंसान हूँ, बट कहीं ना कहीं एक नेचर एक फोर्सफुली आपके ऊपर दी जाती है और आपको जो एक बचपन से जो कंडीशनिंग मिलती है, एनवायरनमेंट मिलता है और आपका माइंड जो जो चीज़ें अंदर लेता है जिससे प्रभावित होता है, आपने कुछ चीज़ देखी चाहे स्कूल लाइफ में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन के साथ आपने देखी हो,
वो सारे इंप्रेशन माइंड में स्टोर होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी नेचर बनती चली जाती है। मान लो मैंने किसी बचपन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे, पिट तो ये देखा, खून खराबा देखा, तो हो सकता है मुझे उससे डर लगने लग जाए, जबकि मेरे साथ कुछ बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ, बट मैंने दूसरे लोगों को इतना गंदा लड़ते हुए देख लिया तो माइंड में डर बैठ गया कि कभी मुझे भी कोई इतने बुरी तरह से ना मारे। अब जब बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं तो आपको प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा रखते हैं, तो इंसिडेंट ऐसा करा दिया ताकि आपको इन सब एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ही ना रहे, आप खुद अपना टाइम अपने काम में लगा के चलो, क्योंकि आपको कुंडली कहीं ना कहीं बड़ा बनाना चाह रही है, योग आपको बड़ा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आपके एरियाज पहले से ही इतने क्लीन कराते हैं कि आपका जो प्रोसेस है सोचने का, एग्जीक्यूशन का, वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप हमेशा प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहो, जिससे आप फाइनेंशियली ग्रो करो। तो बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, आप इसको बहुत कम टाइम में ऐसा नहीं समझ सकते हो, लोग प्रेडिक्शंस में आ जाते हैं, बट किसी का थॉट समझना उसकी रूट लेवल तक कि वो जो चीज़ बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है और पीछे क्या इंटेंशन है, फिर उसको करेक्ट करके चेंजेस लेके आना, देन ग्रो करना, एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इवन मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद भी मेरे लिए भी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आपको डील करना पड़ेगा। सो वर्ल्ड्स कॉस्टलेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, तो व्हाई एंड हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर अ पर्सन, एक पर्सन जो शायद अफोर्ड नहीं भी करना चाहता है, वो अफोर्ड करके या अरेंज करके आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है इतना कॉस्टली आपको एक अमाउंट पे करके, लाइक व्हाई वुड अ पर्सन डू दैट एंड हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन? कॉस्टली मैं हूँ, मुझे पता है मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ, मैं क्या करा रहा हूँ और मैं कितनी चीज़ें सीख के आया हूँ, जो मेरी कमांड है वो कोई दूसरा बंदा नहीं दे रहा। तो कॉस्टली होने के बहुत सारे रीज़न हैं, अब करना ना करना सामने वाले के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी चीज़ें टाइम में सीखनी है और वो खुद कितना डेडिकेटेड है। बहुत बार हम इच्छा लेके आते हैं बड़ा बनने की, बट उतना डेडिकेटेड होते नहीं है, जैसे हमें पता लगता है कि अच्छा इतना काम करना पड़ेगा तो हम बैकआउट कर जाते हैं। तो कॉस्टिंग जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है उसकी, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है मैं ये भी बहुत सस्ते में दे रहा हूँ जो फैक्ट है वो। और हाउ इज इट हेल्पफुल, हाउ इज इट हेल्पफुल लोगों के लिए, कि ट्रेनिंग में लोग एक्चुअली खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि बस एक बुकिश नॉलेज के साथ लीड करते हैं, दो चार दिन की वर्कशॉप कर ले, कंसल्टेंट बन जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, बट उस चीज़ पे एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो चीज़ें वहाँ पे बहुत क्लीशे वे में आने लग जाती हैं कि ये दोष है तो ऐसा कर लो, ये उपाय कर लो। मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जितने भी कंसल्टेंट फैटी हैं, मोटे हैं थोड़े से, वो जस्ट मुझे ऐप्स निकाल के दिखा दें, अगर उनको लगता है कि ये वास्तु की रेमेडीज कर देंगे, उनको इतनी चीज़ें पता हैं, दूसरों का कैंसर ठीक करने के दावे करते हैं, तो जस्ट अपना मोटापा ठीक करके दिखा दूँ, अगर आपकी रेमेडीज में आपको लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको थॉट के ऊपर, विचार के ऊपर, साइकी के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत स्टूपिडिटी वाली चीज़ें होती हैं। और ट्रेनिंग में बेनिफिशियल जो चीज़ें सबसे ज़्यादा, प्रैक्टिस, कि ट्रेनिंग में मैं एक चीज़ की हज़ार तरह से प्रैक्टिस कराता हूँ, जिसे आप उसमें एक्सरसाइज करते हो, आपकी कमांड बनती है, उस कमांड से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, उस कॉन्फिडेंस से आप सामने वाले के सामने अथॉरिटी फील करते हो, जिससे आप उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस लाने के लिए जो बात आप रख रहे हो वो सामने वाला उसको मीन करता है और वो इम्प्लीमेंट कर जाता है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट घर नहीं लेना, टी पॉइंट नहीं लेना, सैंडविच नहीं लेना, ये एंट्री नहीं, वो एंट्री नहीं, एज अ कॉमन मैन, एक बेसिक इंसान को क्या करना चाहिए, क्या घर किसी के लिए एक अच्छा घर हो सकता है, एक बेसिक? ये थोड़ा सा टफ हो जाता है और लोग बहुत लोग वहम करने लग जाते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं इन चीज़ों से। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है इन सब चीज़ों से, ये चीज़ें आपको वीक बनाने के लिए नहीं है, जस्ट अवेयरनेस के लिए, और कुछ लोगों को सुपरफिशियल भी लगता है, तो ना तो कुछ सुपरफिशियल है ना कुछ ऐसा है, वही फाइव एलिमेंट्स हैं, वही हमारी ह्यूमन बॉडी में, वही यूनिवर्स में है और हम दिन रात उन्हीं के सराउंडिंग्स में हैं, तो एक कल्चर है और ये चीज़ कोई मैन मेड नहीं है। अगर हम भगवान को मान रहे हैं तो शास्त्र भी वहीं से आए, और जो चीज़ शास्त्रों से तो कहीं ना कहीं उसको हम भले फॉलो ना करें, एंटी मूड से भी नहीं लेना चाहिए, हमारे मानने या ना मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ हमें दी जा रही है उसका पूरा पूरा इम्पेक्ट हमारे ऊपर आता है, बट वास्तु सब कुछ नहीं है। तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हो कि कौन कौन से घर बिल्कुल ही रिजेक्ट करने चाहिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में, वो आप क्लियरली आप
इन्वॉल्व मत हो उन प्रॉपर्टी में, और अगर आपको लगता है कि बाई चांस हमारी प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो बजाय डरने के आप कंसल्टेंट से डिस्कस करो कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें दे सकता है, आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर लो। तो जब आपको लगता है बेटर कि आप छोड़ने की पोजिशन में हो, उस प्रॉपर्टी से मूव ऑन कर दो। अब जैसे कि वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री जहाँ पे देर आर मेनी रिलीजन्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यू नो पारसीज एंड एवरीबॉडी इज देयर, तो वास्तु का एक रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के हिसाब से क्या इम्पैक्ट रहता है? असली चाहे मैं इसको बहुत डिप्लोमेटिक वे में भी बोल सकता हूँ, बट हाँ एक थोड़ा सा हिंदुज़म जुड़ता ही है क्योंकि शास्त्र जुड़ता है, वास्तु जुड़ता है। तो बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया, जो भी शास्त्र हैं चाहे आप इस्लाम में देख लो, चाहे क्रिश्चियन में देख लो, चाहे सिखिज्म में देख लो, तो कहीं ना कहीं लाइफ मैनेजमेंट की बात होती है। हर एक शास्त्र, हर एक होली बुक आपको लाइफ लीड करने की डायरेक्शन दिखाती है, आपको विचार, मनस्थिति, अंतःकरण, इन सब चीज़ों की बात होती है, और ये सब चीज़ें हमारी एक प्रगति के लिए, तरक्की के लिए होती है कि हम अपने लाइफ में चाहे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें चाह रहे हो, चाहे आध्यात्मिक वे में चाह रहे हो, जो हम चाहते हैं शास्त्र वो दिलवाने के लिए हमें एक राह दिखा देते हैं कि तुझे ये चाहिए तो ये तरीका, ये प्रोसेस अच्छा है, उसमें कोई धर्म से कोई उसका कुछ लेना देना नहीं। बेसिकली अकल्ट सबके लिए इक्वली है, आप घर का वास्तु हैं, आप चाहे कुरान पढ़ लीजिए, चाहे आप, बशर्ते कि आपने ढंग से पढ़ी, ये नहीं कि किसी से हम सुन के आ गए और हम जो कंसेप्ट नहीं था वो बस अपने माइंड में बिठा लिए। तो सारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं अच्छी चीजें बताई गई, किसी भी धर्म का है, फैक्ट वाली चीजें, प्रैक्टिस करने वाली चीजें। वो प्रैक्टिस कभी कभी बहुत सिंपल लगती है, हमें ऐसा लगता है कि यार इस प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बट नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ करने से माइंड में चेंज आता है, मन में अंदर चेंज आता है, फिर वो चेंज हमारे पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम अपना खुद का लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। तो चेंजेस चेंजेस होते 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 क्या होता है कि हमारी एक जो लाइफ है ना वो बेटरमेंट वाले उस पर आने लग जाती है। इन शॉर्ट, शास्त्र कभी भी आपको परेशान करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए एक ह्यूमन बीइंग के पास एक चीज दी गई कि आप इस धरती पे आए हो तो सुख दुख आपकी लाइफ का हिस्सा रहेगा ही रहेगा। कोई कुंडली, कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई वास्तु ऐसा नहीं है जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख ना हो। तो एक पहिया है लाइफ का, उसमें सुख दुख दोनों आपको मिलेंगे, कम ज्यादा हो सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको एक एटीट्यूड सिखाती हैं कि आपको किन चीज़ों को कैरी करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, वो चीज़ें हमें ऐसे पिक करनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। और एक लास्ट की व्हाई मैग्नेट्स, द हाउस ऑफ कंसल्टेंट से तो समझ ही आता है जहाँ पे सारे कंसल्टेंट्स एक साथ हो, वो व्हाई मैग्नेट्स? बिकॉज ऑफ मी। लाइक क्या सोचा आपने मैग्नेट्स को वो करने में? डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ यू। बट मैग्नेट्स लॉन्च करने के बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें मेरा खुद का फियर भी है, उसमें मेरा खुद का डिज़ायर भी है, मेरा टारगेट भी है, मेरी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जिसकी वजह से मुझे मैग्नेट्स को लॉन्च करना पड़ा। मैंने कभी पिछले 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह से खुद को लॉन्च नहीं किया या मार्केट में नहीं लाया। मैं शुरू से एक्टिंग से रिलेटेड चीज़ें करता था और आने की बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों के साथ डिस्कस भी की, कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कभी वर्कशॉप में। वाई मैग्नेट्स? क्योंकि हम झूठी तसल्ली नहीं दे रहे। मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, जिसको काम करना है, जो जेन्युइनली ग्रो करना चाहता है, जो एक्चुअल में ग्रो करना चाहता है, वो आए, वो कंसल्टेशन लें, हम काम करेंगे, मेहनत कराएंगे आपसे। मेरी सारी कंसल्टेशन मेहनत बेस्ड है, कुछ भी उम्मीद हो ऐसी कंसल्टेशन हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, वो हमारा कल्चर नहीं है। वो चीज़ जो आपको एक्चुअल वे में ग्रोथ दे सकती है, जिससे आप एक्चुअली फाइनेंशियली रिच बन सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आप मैग्नेट्स को चूज़ करें। अगर आप ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ना चाहते हो, ना कि ये कि बस हमें उपाय कर दो तो हमारा काम चल जाए, मैग्नेट्स उनके लिए बिल्कुल नहीं।